नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ के दिन करवा माता से सुहाग कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है। पूरी विधि, पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पूरी पूजा विधि मैंने जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, जिससे कि आप लोगों को सामग्री में या पूजा विधि में जो जो चीज़ें जरूरत पड़ती है वो सामान आप पहले से ही अपने लिए मंगा कर रख लें। तो ये अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है कि चंद्र आह्वान कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, करवा में क्या भरा जाता है और चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है, सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अब ये देखिए, हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड साइड सुहाग ऐसे लिया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसमें हम यहाँ पर सिंदूर लेते हैं, जो नारंगी वाला सिंदूर होता है वो हम माता को अर्पित करते हैं और वही अपनी मांग में भी भरते हैं। वो लेकर हमें करवा माता की मांग में 7 बार इसको भरना है और फिर वही उंगली से आपको 7 बार अपनी मांग में भर लेना है। बहुत ही छोटी सी ये प्रोसेस होती है, विधि होती है, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपने करवा चौथ का व्रत रखा है पूरी भाव से, श्रद्धा से, तो ये चीज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद अपने पति से भी बिल्कुल आप कहें कि आपको आपकी जो मांग है वो भरें, टीका लगाएं और आप अपने पति के पैर जरूर छुएं, उनको भी मीठा खिलाएं, कलावा बांधें और उनकी भी अच्छी तरीके से आरती उतार कर फिर आप पारण करें। तो ये देखिए करवा को कैसे फेरा जाता है, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि 7 बार करके हमें ये विधि करनी पड़ती है। 7 बार आपको जो राइट वाला करवा होता है उसको उठाकर लेफ्ट की साइड लाना है और ऐसा आपको 7 बार करना है अगर आप अकेले कर रहे हैं करवा चौथ की पूजा। अगर आप समूह में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी और इसकी जो कथा है वो जल्दी ही मैं शेयर करूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इससे संबंधित कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सीख के बारे में जानकारी मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।